सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो अब उनकी उनमें हिम्मत नहीं थी बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है। ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण जी केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल ले ली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। इंदुरदेव सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है, और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ।